नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। एक तरफ जहां कोरोना वायरस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कोरोना ने जहां लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया, वहीं भारी बारिश और बाढ़ ने उन आशियानों को ही मटिया मेट कर दिया। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमान से आफत बरस रही है और मजबूर इंसान अपनी जीवन भर की जमा पूंजी और अपनों की जिंदगियों को जलमग्न होते देख रहे हैं। असम बिहार में दिखा प्रकृति का रौद्र रूप। पहाड़ से लेकर मैदान तक बरस रही है आसमान से आफत। असम में बाढ़ ने अब तक ली 85 लोगों की जान। असम बिहार में बाढ़ की विनाश लीला। कोरोना वायरस के बाद अब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पहले चक्रवात, फिर आसमानी बिजली और अब बाढ़। मानो मानव को तहस नहस करने की पूरी कहानी लिखी जा रही हो। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमान से आफत बरस रही है। क्या घर, क्या दुकान, सब तिनके की तरह जलमग्न हो चुके हैं। बरसों की जमा पूंजी पल भर में बाढ़ की भेंट चढ़ गई। बिहार और असम में बाढ़ का वो मंजर देखा जिसे देखकर हर कोई कांप उठे। आसमानी आफत से सबसे बुरा हाल असम का है, जहां बारिश और बाढ़ ने अब तक 85 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। असम के 25 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जिन जिलों में बाढ़ के पानी ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई हुई है, वो हैं डेमाजी, लखीमपुर, नलवाड़ी, बारपेटा, बोंगाईगांव, कोकराझार, धुबरी, गोपालपारा, मोरीगांव, नागांव, गोलाघाट, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। ये वो जिले हैं जहां बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। असम के लगभग 2600 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते 47,000 से ज्यादा लोगों को मजबूरन 287 रिलीफ कैंपों में रहना पड़ रहा है। जिंदगी बचाने की ये जंग यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असम की 27,30,000 से ज्यादा आबादी भीषण बाढ़ की चपेट में है। आलम यह है कि जिन सड़कों पर पहले सरपट गाड़ियां दौड़ा करती थी, उन सड़कों पर अब लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कोरोना काल और इस आसमानी आफत के बीच एनडीआरएफ की टीमें जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी इस मुश्किल घड़ी में लोगों के बीच पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन और भरोसा भी दिलाया। लेकिन वो मदद लोगों तक कब पहुंचेगी, ये देखना अभी बाकी है। एक तरफ कोरोना विस्फोट और दूसरी तरफ आसमानी आफत। असम के बाद बिहार में भी बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। बिहार में भी आसमान से लगातार आफत बरस रही है। बिहार में नदियां उफान पर हैं, दर्जनों गांव पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। एक तरफ कोरोना विस्फोट और दूसरी तरफ आसमानी आफत। असम के बाद बिहार में भी बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। बिहार के तमाम शहर और गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर है। नदियों का पानी कई गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है, जिसके चलते उत्तरी बिहार के लगभग 8 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। दर्जनों गांवों में इंसानों के साथ पालतू जानवर भी बाढ़ के पानी में फंसे दिखे। गांवों को छोड़कर शहर में भी बाढ़ के पानी ने किसी को नहीं बख्शा। आलम यह है कि पटना में सीआरपीएफ का कैंप जहां पानी पानी हुआ, तो वहीं मधुबनी में भी एसपीडीएम से लेकर जिला जज के घर में भी बाढ़ का पानी जा घुसा। मौसम विभाग की ओर से भी लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचने को कहा जा रहा है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी और दरभंगा में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को निकालने के लिए 1.5 दर्जन नावों का इंतजाम किया गया है, लेकिन उनमें से भी ज्यादातर जर्जर है। अब इन व्यवस्थाओं के बीच लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो चला है। सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ नेपाल से आने वाली
तिलयुगा नदी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में बाढ़ से बिहार में और हालात बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। बिहार में भारी बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके अब तक आसमान से बरस रही इस आफत से बचने के लिए कोई भी स्थायी इंतजाम नहीं किए गए। इसके चलते लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।